खरगोश भागता नहीं देखा, इतनी तेजी भाग रहा है। ओए चील आ रही है दोस्तों, मैंने बाहर बटेरे रखे हैं यार, चीलों ने पकड़ने के लिए ऊपर आ रही है। अभी यहाँ से चील होकर गुजरी है, इतनी बड़ी वाली चील थी तो अभी साइड पे गई है, मेरे ख्याल से चक्कर लगा के दोबारा वापिस आएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यार आज हम दो बटेरे लेके आए हैं, छोटे छोटे से बटेरे हैं यार, इतने प्यारे से, ये देखें माशाल्लाह। इन्हें आज बाहर वाले केज के अंदर अपने सारे परिंदों को मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। अंश बिलाल और सनी लेके आ रहे हैं कबूतरों को। पहले मैंने रैबिट्स को निकाल लिया था यार, इतनी मुश्किल से एक रैबिट यानी कि ना वो पीछे फंस गया था, शरारतें कर रहा था, बस नहीं गया था असल में, वो पीछे पीछे की तरफ जा रहा था और मैं भाई उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो मेरे हाथ ही नहीं आ रहा था। तो बड़ी मुश्किल से यार असद ने पकड़ा इसे और ला के इसके साथ छोड़ा है। एक रैबिट को मैंने पकड़ा है, दूसरे रैबिट को असद ने पकड़ा है। अब हम सारे परिंदे अपने बाहर वाले केज के अंदर छोड़ रहे हैं। हमारा कछुआ भी बाहर आ चुका है, हमारे रैबिट्स भी आ चुके हैं, हमारे बटेर भी आ चुके हैं और जी हमारे पिजन्स भी, अंश बिलाल और सनी वगैरह, असद वगैरह सारे बच्चे हमारे पिजन्स को भी बाहर ले हैं। वो देखो सनी ने कहाँ पे रख दिया कछुआ, सनी से नीचे छोड़ दो, आज इसे खेल लेने दो, नहीं घूमता कुछ भी नहीं होता। तो दोस्तों मैंने जब बटेरे बाहर रखे हुए थे ना ये बाहर वाले केज के अंदर, तो यार चीलें आ गई थी इतनी ज़्यादा, उन्होंने आगे इस पर बटेरों पर हमला करने की कोशिश की, मैं भाग के आ गया हूँ और मैंने यहाँ से ना यानी कि सारी चीलों को भगाया और कौवे इतने ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे तो भाई इन्हें मैं फौरी यानी कि इन्हें सेव किया। वो देखें हमारा कछुआ कहाँ पर जा रहा है, कितनी तेज़ी से भाग रहा है, इसे पकड़े तो भाई इसे फिर बिल्कुल नहीं हिलना, वैसे इसे खुला छोड़े तो भाई तेजी तेजी से भागना शुरू कर देता है। ये देखें कितना तेज है दोस्तों। हमारी पिकाचू गैंग यार आज फुल मजे में है क्योंकि भाई इतना प्यारा मौसम हुआ है, इतनी ठंडी हवा चल रही है, ये देखें आसमान का कलर चेक करें माशाल्लाह कितना प्यारा हुआ है। और भाई हमारी पिकाचू गैंग पानी के अंदर कभी नहा रही हैं, कभी पानी पी रही हैं, खाना खा रही हैं, भाई फुल इनके मज़े हैं भाई। और वो देखें हमारे अंश बिलाल और सनी भाई वगैरह जाके पत्ते लेके आ रहे हैं हमारे रैबिट्स के लिए। चंदा तारा को डाला नहीं आपने? हाँ ये डाल दो। दोस्तों सामने हमारे दरख्त है तो हम दरख्त से उतार के चंदा तारा को ये वाले पत्ते खिलाते हैं, ये इतने मज़े से खाते हैं, ये देखें माशाल्लाह फौरी इसने खाना शुरू कर दिया है। दूसरे वाला बड़ा शैतान है यार, इसने आज बहुत ही ज़्यादा मुझे तंग किया, वो कॉर्नर में जब छुप गया था ना तो बड़ी मुश्किल से यार आके बच्चों ने पकड़ा, मुझसे तो भाई पकड़ा ही नहीं गया। तो यार आज मैं सोच रहा हूँ सनी भाई एक चीज़ मैं सोच रहा हूँ, हम आज अपने कबूतरों के पर खोल देंगे। हाँ पर खोल के इन्हें उड़ा देते हैं, अगर वापस आ गए तो ठीक है हमारे होंगे, वरना भाई जिसके पास चले गए वो रख लेगा। ठीक है हाँ पिछली बार भी बैठ गए थे तो भाई हम इनके पर खोलने लगे हैं। ये पकड़ो भाई, ये पकड़ो, मैं पर खोलता हूँ इन्हें, ये देखें ये इसके आगे जी पर खोलने लगे हैं हम आज, ये देखें ये खोलो इसके पर, आ जाओ आ जाओ मैं भी चल दूँ एक दिन, ये देखो आराम से आराम से आराम से, ये ऐसे घुमा दे इसे आराम से, चलो चलो ये देखें, अब छुड़ाने की कोशिश कर रहा है बार बार, आराम से आराम से, क्या हो गया, क्या हो गया तुम्हें आज पता नहीं है तभी तुम्हें। ये देखें जी इतने दिनों से बांधे हुए थे तो इनके पर ही बेचारे जुड़ गए हुए हैं, आज खुलेंगे तो आज भैया उड़ के दिखाएंगे हम सबको। तो दोस्तों आज सुबह मैंने अपने मास्टर केज वाले बर्ड्स को, लव बर्ड्स को और कोकटल को ये वाला सिरप दिया था, कैल्शियम पी सिरप, इससे परिंदों की ना अच्छी से यानी कि कैल्शियम पूरी हो जाती है और जब ये अंडे देते हैं ना तो उसमें से बच्चे जरूर निकलते हैं। ये देखें सनी भाई ने कबूतर उड़ाए हैं, अब ये थोड़ा थोड़ा सा उड़ रहे हैं, वो देखो कितने ऊपर से होके आया है। तो यार इसे साइड पे रख देते हैं, यही ना हो गया ये छूट जाए, इसे ये वाले मटके के अंदर रख देते हैं दोस्तों, इनके अभी इसके अंदर चिड़िया नहीं आई, वो वाले मटके के अंदर अभी चिड़िया आ गई हुई है, इस वक्त इन ये वाले और ये वाले मटके के अंदर अभी तक चिड़िया नहीं आई, तो उम्मीद है कि इन दोनों के अंदर भी चिड़िया आ जाएंगी और हमारे जो सारे मटके हैं ना ये सारे चिड़ियों से भर जाएंगे इंशाल्लाह। फिर हम वो वाले मटके सारे लगा देंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ मटके अभी तक हमारे पास पड़े हुए हैं तो ये सारे हम यहाँ पे लगा देंगे इंशाल्लाह और हमारे सेटअप पर यार चिड़ियाँ ही चिड़ियाँ आ जाएंगी। जो वाइल्ड चिड़ियाँ होती हैं यार इतनी प्यारी लगती हैं, जब आके यहाँ पर सुबह सुबह बैठी होती ना तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती हैं यार।
दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि चंदा तारा को हम छत पे छोड़ दें। ये देखें चंदा को भाई निकाल लिया हुआ है और तारा को औसत निकाल रहा है। तारा भी आ गया माशाल्लाह हमारा भाई। यार इनके पत्ते भी भाई निकाल दो, वो देखो कितनी स्पीड से भाग रहा है। ले आओ इन्हें भाई। सनी ये बटेरों को पकड़ के ना मास्टर केज के अंदर छोड़ दो, क्योंकि ये अभी हमारे सेटअप पे नए आए हैं तो मैं नहीं चाहता कि इन्हें यानी कि पता ना हो तो ये साथ वालों के घर ना चले जाएं और इधर ना चले जाएं तो भाई मुश्किल हो सकती है हमारे लिए। इसी वजह से हम अपने बटेरे मास्टर केज के अंदर छोड़ रहे हैं। छोड़ दो अंदर ही, वो देखो कहाँ पे चढ़ गए हैं। यार सनी इन्हें भी कबूतरों के अंदर छोड़ दो, ये अंदर जाने के लिए ना उतावले हो रहे हैं। पकड़ लो पकड़ लो, तीनों एक एक कबूतर पकड़ लो, अंदर छोड़ दो अंदर। सनी आप भी छोड़ दो। ये देखें दोस्तों हमारे कबूतर भी अपने मास्टर केज के अंदर आ गए हैं और हमारे जो हैं बटेर वो भी अपने मास्टर केज के अंदर आ गए हैं। ये देखें दोस्तों उस्मान चंदा के पीछे पड़ा हुआ है, उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन भाई ये पकड़ा नहीं जाना क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तेज़ है यार। ये मुझसे नहीं पकड़ा जाता तो भाई ये उस्मान से कैसे पकड़ा जाएगा। वो देखें पीछे भाग रहा है। उस्मान पकड़ के दिखाओ आप, नहीं पकड़ा जाना जी। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, वो नीचे घुस गया। इसका यही काम है यार, ये पिंजरे के नीचे घुस जाता है क्योंकि वहाँ पे हाथ ही नहीं जा सकता, ना मेरा जा सकता ना बच्चों का। इसी वजह से इससे फायदा हो जाता है, ये नीचे घुस जाता है और भाई आसानी से छुप जाता है। ये देखें दोस्तों सनी ने चंदा को पकड़ लिया लेकिन तारा अभी तक इनसे पकड़ा नहीं जा रहा। वो देखें तारा भाग गया। पहले चंदा नहीं पकड़ा जा रहा था, अब तारा नहीं पकड़ा जा रहा। इतने मुश्किल में डले हुए हैं हमारे सारे बच्चे, इनसे भाई दो खरगोश ही नहीं पकड़े जा रहे। बातें इनकी इतनी ज्यादा बड़ी बड़ी होती हैं, वो देखे सारे पीछे पीछे भाग रहे हैं। मिस्टर टी, ओ दोस्तों मिस्टर टी गुम गए हुए हैं, कब से हमने यहाँ पे इन्हें छोड़ा था। वो देखो मिस्टर टी कहाँ पे है। वो देखे उस्मान को मिल गया मिस्टर टी। उस्मान उठा लो इसे, इसे भी मास्टर केज के अंदर छोड़ दो। उठा लो कुछ नहीं करता, इसे मास्टर केज के अंदर छोड़ दो। यूसुफ यार ये चंदा तारा को मास्टर केज के अंदर छोड़ दो अब, क्योंकि रात होने वाली है तो मैं नहीं चाहता कि भाई हमारे परिंदों को कोई नुकसान हो। ध्यान से पकड़ना, ले जाओ ले जाओ, मास्टर केज के अंदर छोड़ दो। चलो जी हम दोस्तों हमारे सारे बर्ड्स अब मास्टर केज के अंदर जा रहे हैं। हमारी जो पिकाचू गैंग है वो अपने बाहर वाले केज के अंदर चली गई हैं। हमारे रैबिट्स, हमारी पिजन्स और हमारे बटेर, हमारा मिस्टर टी, भाई सारे परिंदे अपने केजेस के अंदर आ चुके हैं माशाल्लाह। और भाई हम सोच रहे हैं कि इसी के साथ वीडियो का एंड कर दें, तो वीडियो का एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।